अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा पहला व्लॉग है, पहली वीडियो है इस चैनल की, मतलब पहली तो नहीं, इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आ चुकी है, लेकिन वैसे ये हम कह सकते हैं कि एक पहली वीडियो है। तो इस वीडियो को आप ट्रैवल व्लॉग का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं ट्रैवल करने वाला हूँ अपने होम टाउन अहमदपुर ईस्ट से लाहौर की तरफ। तो इस दौरान जो जो भी स्टेप्स होंगे, सबसे पहले हमने पैकिंग करनी है, और उसके बाद मेरा प्लान ये है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ से बहावलपुर, वहाँ थोड़ी देर में स्टे करूँगा, और उसके बाद फिर बहावलपुर से हम लाहौर की तरफ रवाना होंगे। तो किस तरह मैं यहाँ से बहावलपुर जाऊँगा, मतलब कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा, और उसके बाद फिर बहावलपुर में क्या मेरा स्टे होगा, कहाँ स्टे होगा, और उसके बाद बहावलपुर से आगे लाहौर जाने के लिए मैंने किस बस पे जाना है, ये हम इसी व्लॉग में कवर करेंगे। और बस यही है, उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। सबसे पहले जो हमारा टास्क है ट्रैवलिंग का, सबसे जो मेन वो स्टेप है वो है पैकिंग करना। तो पहले हम पैकिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है यहाँ से रवाना हो जाएंगे लाहौर की तरफ। अब हम पैकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ये आउटर वेयर है, इसमें एक जैकेट, एक हुडी और एक स्वेटर मैंने रख लिया। उसके अलावा ये मैंने चार टी शर्ट्स रख ली हैं, और तीन मैंने यहाँ पर पैंट्स रख ली हैं। इसके बाद मैंने ये कैजुअल शर्ट्स भी, मैंने कहा रख लेते हैं वहाँ पर, अगर सर्दी वगैरह ज़्यादा हुई तो कैजुअल शर्ट्स पहन लेंगे, या जो भी हिसाब किताब हुआ। उसके अलावा ये एक शॉल है, और ये मेरी दवाइयाँ हैं, मैंने कहा दवाइयाँ रखते हैं साथ, कभी ज़रूरत पड़ी जाती है पैनाडोल वगैरह और इस तरह की दवाइयाँ रखने की। और ये अम्ब्रेला मैंने साथ रखी हैं दो, के वहाँ बारिश वगैरह का ख़तरा हो या जो भी है। उसके अलावा ये मेरी बनियान वगैरह और एक ट्राउज़र रखा है मैंने। और इसके अलावा जूतों में मैं क्या रख रहा हूँ, जूतों में मैं ये रख रहा हूँ, दो जोगर्स रखने का सोचा है मैंने, और एक मैं स्लीपर शायद यहाँ से पहन जाऊँगा। तो हमारी पैकिंग सारी मुकम्मल हो चुकी है, इसके बाद अब हम चलेंगे बहावलपुर की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हम आज के दिन बहावलपुर जाएंगे, और आज रात हमारा स्टे बहावलपुर ही होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर सुबह 7 बजे या 8 बजे की बस से इंशाल्लाह हम लाहौर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमें बहावलपुर के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि शाम हो चुकी है, तो टाइम से मैं पहुंच भी जाऊंगा बहावलपुर। और उसके बाद फिर देखते हैं कि बहावलपुर जाके क्या हमारे सीन होता है, और बस यही है। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहावलपुर के रास्ते में आप लोगों से। अब मैं घर से निकल आया हूँ बहावलपुर जाने के लिए, मैं बस स्टैंड पे जा रहा हूँ, और देखते हैं कि वहाँ पर कौन सी बस हमें मिलती है। यहाँ ये बस सामने ही खड़ी है। अब हम बहावलपुर की तरफ निकलने वाले हैं। किराया काफ़ी बढ़ चुका है,
2-3 महीने पहले सिर्फ 80 रुपीज़ होता था बहावलपुर का किराया, और अब ये 160 हो चुका है। मैं बहावलपुर पहुंच चुका हूं और अब कोई रिक्शा ढूंढते हैं। रिक्शा तो मिल गया, अब मैं चल रहा हूं अपने फ्रेंड की तरफ। रात हो गई है और हमने ना स्नैक्स लेने थे कुछ, क्योंकि हमने सफ़र करना है, तो इसलिए हम इम्तियाज़ पे आ गए हैं स्नैक्स लेने के लिए। कुछ स्नैक्स यहाँ से ख़रीद रहे हैं हम, और फिर इन स्नैक्स लेने के बाद हम वापस जो है चले जाएंगे। ये ए बी जो है स्नैक्स ले रहा है, बिल बनवा रहा है। शॉपिंग करते हुए भूख लग गई थी तो हम यहाँ पर आ गए हैं एक पॉइंट पे। यहाँ हमने पराठा ऑर्डर कर लिया, अब ये खाते हैं। हेलो एबी, हाय। मुझसे मिलके तुम्हें कैसा फील हो रहा है इतने अरसे बाद मिलके? लाडू मजा आया हूँ। और कल फिर हम जा रहे हैं लाहौर। जा रहे हैं फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर से पंचायत में। अरे यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ इतना स्मूथली हो गया है। आई होप कि नहीं आगे भी सब कुछ स्मूथली हो। नहीं तो इतने मसले होते हैं यार, कोई किसी घर वाले नहीं मानते, इश्यूज होते हैं। वहाँ की खैर घर वाले नहीं माने थे पहले, लेकिन फिर चलो थोड़ा सा मेलो ड्रामा करने के बाद मान गया उसके घर वाले भी। वी होप कि आगे भी सब कुछ सही होगा इंशाल्लाह। अभी सब स्मूथ जा रहे हैं तो उम्मीद इंशाल्लाह आगे भी सब सही जाएगा। चलें ठीक है, ओके। मिलते हैं फिर ट्रिप पे आगे। हम मिल्क शेक नज़र आ गया था वो पी रहे हैं, और इंशाल्लाह अब सुबह ही मुलाकात होगी आप लोगों से। ये मैंने टिकट्स यहाँ से आके ले ली हैं फैसल मूवर से, और 8 बजे की टिकट्स हैं। 8 बजे इंशाल्लाह फिर हम निकलते हैं लाहौर के लिए। दिस इज़ द ब्रेकफास्ट वी आर डूइंग। और तो कुछ था नहीं खाने के लिए, तो सोचा कि हम ये वेफर्स खा लेते हैं। बस में बैठ चुके हैं और अब हम रवाना हो रहे हैं लाहौर के लिए। इंशाल्लाह अब लाहौर में मुलाकात होगी। फाइनली हम लोग लाहौर पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं AIMC अपने एक फ्रेंड के हॉस्टल, वहां पर रुकना थोड़ी देर, और फिर आगे का इरादा है आगे जाने का। शाम हो गई है और कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, उसके लिए हमने सोचा कि मार्केट चले जाते हैं, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।